हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई सेंचुरी में। नाम क्या है उसका? ओवालेकर बटरफ्लाई गार्डन। ओवालेकर बटरफ्लाई गार्डन, ये फाउंटेन होटल से अराउंड 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 15 से 20 मिनट लगेगा वहाँ जाने के लिए। सो देखते हैं कैसा होगा आज का एक्सपीरियंस हम लोगों का वहाँ का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द राइड। बाय। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जस्ट गाड़ी खड़ी करने के बाद यहाँ पे पार्किंग वार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी बड़ी जगह है, आप लोग अपनी कार या बाइक अच्छे से पार्क कर सकते हो। और उसके बाद अभी हम लोगों ने एंट्री फीस भरी है जो कि 100 रुपीज़ है पर पर्सन, और 50 रुपीज़ का एडिशनल ब्रेकफास्ट है जो कि अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। आई गेस वेज होगा पूरा, नॉन वेज भी कुछ नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में नॉन वेज ऐसे भी नहीं होता। नहीं, हम लोग खाते ना कीमा पाव। चलिए, ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे शायद टूर मिलने वाला है पूरे प्रॉपर्टी का, कि कैसा क्या होता है वी डोंट नो एग्जैक्टली। अभी तक कुछ आइडिया नहीं है बटरफ्लाइज के बारे में, बट हम लोगों को एक्चुअली अभी थोड़ी कुछ देखने मिल गई बटरफ्लाइज, एक्सपेक्टिंग मोर जो हमें नॉर्मली देखने नहीं मिलती। सो बाकी बटरफ्लाइज को देखेंगे हम लोग नाश्ते के बाद, मिलते हैं। सनलाइट की तरफ देखना है, कैटरपिलर दिख रहे कि नहीं। ये कैटरपिलर इसमें से अभी ये पत्ते के अंदर चला गया। कैटरपिलर ने इधर से ड्रिल किया है और कैटरपिलर इधर है अंदर पत्ते के दो लेयर के अंदर। देखो ये पार्ट, और इधर से ड्रिल किया है। देखो इधर से ड्रिल किया है, ये देखो। 2 वीक्स वो 2 वीक्स फीडिंग करेगा, 2 वीक्स फीडिंग करेगा, और 2 वीक्स के बाद वो प्यूपा बनाएगा, फिर 6 डे के बाद प्यूपा में से अडल्ट बटरफ्लाई आएगा। ये कैटरपिलर स्टेज है, और ये कैटरपिलर फुल साइज ग्रो होने के बाद प्यूपा स्टेज में जाएगा। अभी ये सन से एनर्जी लेने के लिए वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई बैठा है, देखो आजू बाजू में घूम रहे हो। और थोड़ी देर के बाद जब ज्यादा हीट बढ़ेंगे ना, ये जो वाइल्ड क्रीपर है उसके ऊपर बटरफ्लाई फ्लावर में से नेक्टरिंग करने के लिए आने चालू हो जाएगी। हमको जो ईवीएस में सिखाया गया है ना मिल्कवीड प्लांट, तो ये पत्ते को कट करने के बाद देखो जूस आता है। देखो आ रहा है दूध, मिल्क आ रहा है क्या? मिल्क के जैसा दिख रहा है, ये मिल्कवीड प्लांट बोला जाता है। और ये मिल्कवीड प्लांट्स प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई एगलिंग करती है। चीकू खाते हैं ना, जो चीकू का फ्रूट्स कितने देखा है अभी तक, फ्लावर्स कभी देखा है क्या? देखो चीकू का फ्लावर कैसा रहता है, देखो ये चीकू का फ्लावर्स रहता है। हम लोग चीकू खाते ना, ये चीकू का फ्लावर है, देखो ये देखो, हेलो, उससे ये ब्राउन कलर का चिकूज होता है। इसके लिए तो हमारे पास बटरफ्लाई आते हैं क्योंकि मेरे घर में वो प्लांट है। ये है, उसमें से फ्लावर में से आप देखो, उसमें फ्लावर में से बटरफ्लाई नेक्टरिंग करने के लिए आते हैं। और किसी को वो फ्लावर निकालने को बोलो मत, उनको बोलो वो फ्लावर रहने दो, बटरफ्लाई आएगा नेक्टरिंग करेगा और जाएगा। Thank you.
आई गेस यहाँ पे आना आप लोगों का ज़रूरी है, बिकॉज जितना अच्छा ये ऐसे में दिख रहा है आप लोगों को, ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है. आई मीन द कैमरा इज रियली नॉट डूइंग द जस्टिस विद ऑल द स्टफ दैट्स हियर. और फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा है, हर इंसान के अंदर 3 इडियट्स का वो फरहान होता है जिसको फोटोग्राफी करनी होती है. तो अगर आप लोग को भी वैसा है तो ये यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जंगल में बटरफ्लाइज होती है, इतना सब कुछ होता है कि फोटोग्राफर्स लोग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. एक फोटोग्राफर अंकल यहाँ खड़े है, वो भी ट्राई कर रहे हैं फोटोज़ लेने का, बट इन बटरफ्लाइज को कैप्चर करना इट्स रियली डिफिकल्ट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. अंकल की लेंस बहुत अच्छी है एक्चुअली. 1991 में ये स्टार्ट हुआ है, अंकल ने स्टार्ट किया था, और 2 एकड़ की प्रॉपर्टी पे अभी इतने प्लांट्स हैं. आप लोग जहाँ देखोगे वहाँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही दिखेंगे, हर तरफ ग्रीनरी. और क्लाइमेट इतना अच्छा चल रहा है, धूप उठे होते हुए भी गर्मी तो नहीं लग रही है, एटलीस्ट धूप लग रही है बट गर्मी नहीं लग रही है. तो गाइस अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया ये पूरा जगह, और पता चला कि यहाँ पे 132 डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज घूमती रहती है ऑल अराउंड द ईयर. और अंकल का प्लान है और ज़्यादा अलग अलग तरीके के ट्रीज लगाने का जिससे और ज़्यादा बढ़ जाए ये. और पहला फेवरेट टाइम क्या बताया था यहाँ पे विजिट करने का? इट इज लाइक जुलाई से लेकर दिसंबर तक इज अ फेवरेबल टाइम जहाँ पे और ज़्यादा देखने मिलेगी. अभी भी हम लोगों को बहुत सारी बटरफ्लाइज देखने मिल चुकी है ऑलरेडी. हाँ. कुछ सीड्स लिए, ये सीड्स एक्चुअली जो राजेंद्र सर हैं उन्होंने दिए हम लोगों को. ही सेड कि अगर हमारे घर में अगर हम लोग ये सीड्स लगाएंगे कोई भी पौधे में या किसी में भी, उसमें से जो भी एक आएगा प्लांट उसमें कॉमन रोज बटरफ्लाई आएगी. तो इस लालच में मैंने ये लिया है, कॉमन रोज बटरफ्लाई रोज आएगी, कॉमन रोज बटरफ्लाई मेरे घर में. तो इट वाज रियली नाइस. अच्छा है काफी यहाँ पे, इट इज अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. आप लोग देख सकते हो पीछे कितना अच्छा गार्डन है. आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है आज, ऐसा लग रहा है कि कितने सालों बाद नेचर से कनेक्ट हुआ. अभी हम लोग जहाँ खड़े वहीं पे यहाँ पे चीकूज है, आप लोगों को दिख रहे हैं, आई डोंट नो दिख रहे हैं कि नहीं, बट चीकूज है. कितनी ऐसी ऐसी बटरफ्लाइज है जो कभी नहीं देखा हम लोगों ने, और अंकल ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है बटरफ्लाइज का हमारे लाइफ में. आई मीन कोई इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पोर्टेंस नहीं है, जस्ट इंसान को प्लीजिंग लगे. एक अंकल का लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1 करोड़ का घर ले लेते हो तुम लोग और उसके बाद उसके विंडो से क्या देखते हो, फ्लाईओवर. तो क्या फ़ायदा उस 1 करोड़ के घर का, जो कि बहुत अच्छी पॉइंट की वाली बात थी अंकल की. तो अगर आप लोग के आसपास जगह है तो प्लीज़ लगाओ झाड़. हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि घर के जो नॉर्मली हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं खाने में, जैसे लेमन सीड्स और कड़ी पत्ता मुझे याद था. हाँ, दालचीनी का ट्री होता है, बट उन्होंने बताया कि घर में यूज होने वाले ऐसी चीजों के ट्रीज पे प्लांट्स पे भी बटरफ्लाईज आते हैं. सो ये सब लगाओ और बटरफ्लाईज को बुलाओ. मिलते हैं अगले वेडनेसडे गाइस सुबह 9 बजे यूट्यूब पे, तब तक के लिए बाय टाटा.